प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। शिष्टा परिग्रह अधिकरण है। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः। वैयासिक नियमावली के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद चतुर्थ अधिकरण 12 नंबर सूत्र है। इसका टीका कुछ बाकी थी क्या? हाँ कुछ बाकी थी, देख लो। तो भाई पूर्व पक्षी का तो हो गया था, तो लोग में देखा जाता है तंतु का परिमाण कम है, उसे पट बनता है। अल्प परिमाण वाले कारण से वस्तु की पदार्थ की उत्पत्ति देखी जाती है। और तुम्हारा ब्रह्म तो व्यापक है, तो परम महत परिमाण वाला व्यापक ब्रह्म से ये परिच्छिन्न संसार की उत्पत्ति कैसे होगी, है कि नहीं? इसलिए काणादादि मतों से ब्रह्म कारणवाद का बाद हो जाएगा, अर्थात वेदांत का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। इसका उत्तर दिया गया इति प्राप्ते भूमा जदा वेदिक शिरोमणि भी ही पुराण कर्तृ भी। पुराण के जो कर्ता है तो वैदिक शिरोमणि है कि नहीं? भगवान व्यास तो वैदिक शिरोमणि है कि नहीं? तत्र तत्र प्रसंगात उदारिता। ये टीका देख लो, टीका मिल गई ना। इति प्राप्ते ब्रह्मा है, मिल गए कि नहीं? टीका में सिद्धांत का देखो। जदा वैदिक शिरोमणि भी पुराण कर्तृ भी तत्र तत्र प्रसंगात उदारिता। वैदिक शिरोमणि पुराण का कर्ता है, उसमें अनेक जगह पर है ना प्रकृति पुरुष के प्रतिपादन करने वाले सांख्य योग हैं, वो तो दुर्बल है, दुर्बल है, वेद से विरुद्ध होने के कारण उसको नहीं माना जा सकता है। ये बोलते प्रकृति पुरुषादि प्रतिपादिका सांख्य योग स्मृति जगत कारण विषय दुर्बल लेना परित्यक्ता। वो सब दुर्बल है, दुर्बल है। क्यों दुर्बल हो गया? कि पौरुषीय वाक्य हो ना, किसी पुरुष ने ऋषि ने बना गया वाक्य, वो यदि वेद से विरुद्ध हो जाएगा तो दुर्बल हो जाएगा, उसको प्रमाण नहीं मान सकते। इसलिए परित्यक्ता, उसका परित्याग करना पड़ता है, ठीक है। और वेद सम्मत कोई बोलता है, छोटा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका वाक्य प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। तदा निखिले ही शिष्टे ही उपक्षितानां काणादादिमतानां दुर्बल्यम इति क्यों वक्तव्यम, है कि नहीं? या सांख्य के प्रणेता, योग के प्रणेता, वो तो महान पुरुष है, फिर भी वेद विरुद्ध होने से उसको परित्याग करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। और बाकी लोगों का कहना क्या है, है कि नहीं? इसलिए कहा तदा निखिले ही शिष्टे उपक्षितानां, सभी शिष्ट महापुरुषों ने है ना
जो वेद विरुद्ध जो है कोणार्क के मत को नहीं मानते हो, दुर्बल है वो, वेद विरुद्ध हो गए, क्यों वक्तव्यम, इसके बारे में क्या कहना है। न खलु ब्रह्म पद्मादि पुराणेषु कचितपि प्रसंगात दृणकादि प्रक्रिया उदारिता। ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, बाकी जितने भी अठर पुराण ले लो, किसी भी पुराण में ये नहीं कहा गया कि दृणुकादि से जगत की उत्पत्ति, परमाणु से ये जगत की उत्पत्ति हो, ये नहीं कहा गया है। और प्रत्युत हेतुकान बकवृत्तिश्च बांग मात्रणापि न अर्चयित। बोलते कि हेतुवादी है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जो हमेशा कारण ढूंढता रहे, है कि नहीं, कहाँ भगवान है दिखाओ, बोलते कि नहीं, वह तो दिखना चाहिए, ये सब हेतुवादी है। हाँ, और ये होते बकवृत्ति वाले, बकवृत्ति, ये बकवृत्ति वाले ठगते हैं, और क्या है, बगुला एकदम चुपचाप रहता है, आएगा तो झट से पकड़ लेता है, झट से मछली को पकड़ लेगा, वो ठगता है कि नहीं, बकवृत्ति है ना, इसलिए बांग मात्रणा भी न अर्चे, बाणी मात्र से भी उनका उपचार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, उनके मत को नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं, ये ठगले वाले मत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इति बहुशो निंदा उपलब्धते, इस प्रकार बहुत निंदा की जाती है कि नहीं, ये तार्किकों की बहुत निंदा की जाती है ना, नैसा तर्कणा मतिरापन या श्रुति बोलती है, केवल तर्क मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ठीक है। आप तर्क से कोई सिद्ध करोगे, प्रबल तार्किक आएगा तो आपका खंडन कर देगा, वो उसका और भी कोई खंडन कर देगा, इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, ठीक है। यस्तु न्यूना आरभ्यत्व नियम उक्त, और ये तुमने जो कहा है कि नहीं, कि कार्य जो द्रव्य है वो उत्पन्न होता है अल्प परिमाण वाले द्रव्य से, अल्प परिमाण वाला तंतु से पट उत्पन्न होता है, ये जो तुम नियम कहते हो ना, ये भी तुम्हारा नियम घटेगा नहीं, विवर्तवाद में घटेगा ना, हम तो विवर्तवादी है। न असो विवर्तवादे अस्ति दूरस्थस्य पर्वत अग्रस्थिते, हैं महद्भीर वृक्षैर अल्प दूर बाघ अग्र भ्रमस्य जन्यमानत्वात्। ये देखो भाई, हैं देखो, पर्वत के अग्रभाग में, एकदम पर्वत के चोटी पर कोई वृक्ष हो, ठीक है ना, आप नीचे हो तो वृक्ष कैसा दिखता है, एकदम छोटा दिखता है, दुर्वा के अग्रभाग की तरह एकदम छोटा सा दिखता है, छोटा सा दिखता है तो है क्या वास्तविक, वो छोटा नहीं है भगवान, है कि नहीं, ये भ्रांति है और क्या है, भ्रांति है कि नहीं, ठीक है। पर्वत के अग्रभाग में कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, महान वृक्ष है कि नहीं, उनमें क्या होता है, दूरस्थ कोई पुरुष है, नीचे कोई पहाड़ के नीचे है, उनको वृक्ष कैसा दिखता है, दुर्वा के अग्रभाग, एक छोटा सा घास की तरह दिखता है, मतलब भ्रम है, वो कैसा है, भ्रम है, इसलिए तुमको भ्रम है कि अल्प परिमाण वाले से ये घटपट आदि वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी, ये तो तुम्हारा भ्रम है ना। यद्यपि अभाव पुरुषरत्व अनुमानम तत्रापि साध्य विकलो दृष्टांत, ये तुम जो अनुमान करते हो, है कि नहीं, अनुमान करते हो कि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होगी, है कि नहीं, अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाए, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, असैदेव समय एकदम अगर आसित कहते हो, है कि नहीं, ये भी तुम्हारा ठीक नहीं, कहीं भी दृष्टांत नहीं मिलता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। बोलते सुषुप्ति में कुछ नहीं था, हैं, फिर उड़ने के बाद सब प्रकट हो गए, ऐसा है क्या, सुषुप्ति में आप नहीं थे क्या,
सुषुप्त में कुछ नहीं था तो इसको कौन जानेगा? सुषुप्त में कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं जाना, कोच नहीं था, कोच नहीं जाना, इसको कौन जान रहा है? तुम तो थे, अभाव कैसे हुआ? है कि नहीं? अभाव से जगत की उत्पत्ति हो जाएगी ऐसा नहीं। हाँ, अद्वितीय ब्रह्म था ये मानो, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था लेकिन ब्रह्म तो था मानना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ नहीं यदि बोलोगे तो उसमें आसित का प्रयोग नहीं होगा, सत्तावाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, समझ में कि नहीं? हाँ, असत एव सम्य इदमग्रे आसित, असत था, असत था, हैं तो असत कोई वस्तु नहीं है क्या? असत नामक यदि कोई वस्तु न होती तो था शब्द का प्रयोग कैसे करोगे? है कि नहीं? वहाँ पर कुछ नहीं था तो कुछ तो था कुछ भी नहीं कैसे कहोगे? हैं? हाँ, बंध्या पुत्र नहीं था, बंध्या पुत्र नहीं था ऐसा प्रयोग नहीं होता है। बंध्या पुत्र नाम का कोई वस्तु ही नहीं थी तो बंध्या पुत्र नहीं था, हाँ ये कैसे कहोगे? है कि नहीं? ऐसा प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए असत शब्द का अर्थ यदि नहीं मानोगे तो आसित शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए तत्र साध्य विकलो दृष्टांत, लेकिन अभाव पूर्वक जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं। सुषुप्तरेव अवस्थास्वेव अवस्थानात् आत्मन सद्रूपस्य अंगीकरणत्वे सति स्वप्नस्यापि अभाव पुरुषरत्व अभावात्। हे देखो, सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं था लेकिन आत्मा तो था, सत्रूप आत्मा था, तुम तो थे, तुम थे इसलिए तो अज्ञान का प्रकाश हुआ, मैंने कुछ नहीं जाना। हाँ, अहम सुखम अस्वाप्सम, बड़े सुख से सोया, कुछ नहीं जाना तो आत्मा तो था, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए स्वप्न अथवा जागृत ये अभाव से उत्पन्न होता हो, अभाव से हुआ हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए तस्मात एते मतेर नास्ति बाधा हो। इसलिए कणादादि मतों से वेद का समन्वय एक अद्वितीय ब्रह्म में होता है जो कहते हो उसका बाध नहीं होगा, है ना? महादेव सूत्र देखिए, 12 नंबर सूत्र है ना। एतेना शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याताः, एतेना शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याताः। तो एतेना ये देवल आदि जो शिष्ट ऋषि होते हैं, है कि नहीं? तो उनमें भी प्रधान कारणवाद निराकरण हो जाता है। प्रधान जगत का कारण है, स्वतंत्र की प्रकृति हो जिससे जगत की उत्पत्ति मानते हो, हैं, ऐसे कारणवाद का निराकरण हो गया, है कि नहीं? इसलिए कणाद का मत है, वैसे गौतम महर्षि का मत है, वो वेद से विरुद्ध होने के कारण शिष्ट लोगों ने उनके मत का निराकरण कर लेते हैं, इसलिए शिष्ट अपरिग्रहा, शिष्ट लोगों ने उसका परिहार कर दिया, है कि नहीं? इस प्रकार समझना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए परमाणु आदि कारणवादों का निराकरण समझ लेना चाहिए। इसलिए वेदांत का समन्वय में, अद्वैत ब्रह्म में जो समन्वय होता है वेदांत का, वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म का ज्ञान कराने में है, है कि नहीं? ब्रह्म के ज्ञान से ही मुक्ति होगी। तरति शोकम आत्मविद, ज्ञानातेव तु कैवल्यम, है कि नहीं? किसका ज्ञान है? सत्य का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान से ही मुक्ति होगी, है कि नहीं? हाँ,
सत्य का अज्ञान से बंधन होता है, सत्य के ज्ञान से मुक्ति होगी। रस्सी का अज्ञान से बंधन है सर्प, और रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी। अज्ञानादेव संसार, ज्ञानादेव विमुच्यते, है कि नहीं? इसलिए सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो मुक्त का प्रदान करते, है कि नहीं? इसलिए मुक्ति को प्रदान करने वाली विद्या कौन है? ब्रह्म विद्या है ना। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन स्नानम मनो मलत्याग ध्यानम निर्विषय शौचम इंद्रिय निग्रह। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन स्नानम मनो मलत्याग है ना शौचम इंद्रिय निग्रह है ना। इसलिए ज्ञान तो अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। स्वामी जी इस श्लोक का जरा अर्थ बता। अच्छा श्लोक का अर्थ बता दो, ठीक है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, वास्तविक ज्ञान तो अद्वैत परब्रह्म का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, वही अज्ञान को दूर करता है कि नहीं? जो अज्ञान को दूर कर देगा ज्ञान, वही वास्तविक ज्ञान है कि नहीं? वही मुक्ति का साधन है। कौन है? अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान, अहम् अस्मि परब्रह्म, है कि नहीं? अहम् अस्मि परब्रह्म, ऐसे ज्ञान का अभ्यास करना यही भजन है। वास्तविक भजन तो परमात्मा का यही है कि नहीं? हाँ सुने ना मुंडक में आप लोग, यमे वे सबिणुते ते न लभ्यास तस्से आत्मा बिबिणुते तनु स्वाम। तो वरण करना क्या है? यही वरण करना है कि नहीं? हाँ ये सबका वर कौन है? सबका वर तो वही है परमात्मा ही परमात्मा ही मालिक तो है सबका, है कि नहीं? यहाँ पर तो स्वरूप में तात्पर्य है, अहम अस्मि परब्रह्म, अहम परमात्मा अस्मि इति अनुसंधानम वरणम अतदेव भजनम, यही परमात्मा का भजन है क्यों भाई? और परमात्मा का भजन कौन करेगा? बहिर्मुखी करेगा कि अंतर्मुखी करेगा? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होना पड़ता है। हाँ आनंदगिरी महाराज ने कहा कि नहीं, मुंडक में नहीं सुने आप लोग, बहिर्मुखेना सतसोपि वेदांत श्रवणादो आत्मा न लभ्य। बहिर्मुख होकर के दिन रात भी वेदांत सुनेंगे तब भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए अंतर्मुखी बनो नारायण, वो ज्ञान है मुख्य ज्ञान। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना, उत्कृष्ट ध्यान क्या है? उत्कृष्ट ध्यान यही है कि मन निर्विषक हो जाए, मन क्या हो जाए? निर्विषक हो जाए, मन किसी बाह्य विषय को विषय न करे। बाह्य वस्तु से मन हट गया और निद्रा भी ना आवे नहीं तो झपका नहीं लगेगा है कि नहीं? झपका भी ना लगे और मन बाहर भी नहीं जावे, है कि नहीं? यही वास्तविक ध्यान है। ध्यान तो वास्तविक, मन बाहर भी ना जावे और मन किधर ना जावे, निद्रा की ओर भी मन ना जावे, ऐसे मन में ब्रह्माकार वृत्ति होगी कि नहीं होगी? तब ब्रह्माकार वृत्ति होगी यही वास्तविक ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, है कि नहीं ना? और आगे कहा है स्नानम मनो मलत्याग, वास्तविक स्नान क्या है? उत्कृष्ट स्नान, उत्कृष्ट स्नान क्या है? हैं मनो मलत्याग, मन में जितने मल है राग द्वेष सबको हटा दो। मन में राग द्वेष का जो कचड़ा है मल, उसको एकदम हटा दो विचार से, पकड़ में है कि नहीं? तब फिर क्या होगा? उत्कृष्ट स्नान हो जाएगा, स्नानम मनो मलत्याग। ऐसा नहीं कि स्नान नहीं करना गंगा जी में जाकर के, ऐसा नहीं, मन चांगा दो कटौती में गंगा, ऐसा नहीं है।
स्नान भी करना वो बाह्य शुद्धि है वो बाह्य स्नान है, ये आभ्यंतर स्नान यही है, मन के मल को हटा दो और क्या है कि नहीं है। और शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच मतलब शुद्धि, इंद्रिय को निगृहित कर देना, इंद्रिय को निगृहित कर देना, इसका नाम हो गया शौच, शौचम इंद्रिय निग्रह हो गया ना श्लोक। चलो और ये अधिकरण भी पूरा हो गया 12 नंबर, अब 13 नंबर अधिकरण, ये चतुर्थ अधिकरण हुआ, पंचम अधिकरण सूत्र 13 नंबर देखो श्लोक है। तो अब ये बात आ रही है, महाराज आप कहते हो अद्वैत, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त ना कोई जीव है ना कोई जड़ पदार्थ है, कुछ नहीं है, है बस। तो फिर यदि वेदांत का तात्पर्य अद्वैत में है, लेकिन द्वैत फिर कैसे दिखाई दे रहा है, जो भोजन करने वाला हो गया भोक्ता और भोजन क्या हो गया भोग, है कि नहीं, ये तो भेद दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, चेतन होता है भोक्ता, है कि नहीं, और शब्दादि विषय हो गए भोग्य, जो स्वयं भोक्ता है वो भोग्य होगा नहीं होगा, और जो भोग्य है शब्दादि रूपादि विषय वो भोक्ता नहीं हो सकता, भोक्ता कभी भोग्य नहीं होगा, भोग्य कभी भोक्ता नहीं हो सकता है, ये तो भेद दिखाई दे रहा है। और सबको यदि ब्रह्म रूप ही है, अद्वैत ब्रह्म ही है, तो फिर भोक्ता भोग का भेद है कि नहीं, भोक्ता भोग का भेद तो हमेशा रहेगा, अभी भी है आगे भी रहेगा पहले भी था, है कि नहीं, भोक्ता और भोग भोग्य का जो भेद है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए अद्वैत कैसे होगा भाई, अद्वैत कैसे होगा, है कि नहीं, इसलिए बाद हो जाएगा अद्वैत सिद्धांत का, है कि नहीं, बाद हो जाएगा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, बाद होगा कि बाद नहीं होगा, लेकिन वेदांत कह रहे हैं कि एकम अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलुविदं ब्रह्म, है कि नहीं, इसलिए अद्वैत का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा बाद हो सकता है कि बाद नहीं हो सकता, यही विचार यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए है ना श्लोक में देखो। अद्वैतम बाध्यते नो वा भोक्तृभोग्य विभेदतः प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्धो भेदो सावण्य बाधक, आराम से पढ़ना बोल रहे थे हाँ सही तो कह रहे हैं, उच्चारण हो पाएगा ना, अद्वैतम बाध्यते नो वा भोक्तृभोग्य विभेदतः प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्धो भेदोसा वन्यवादकः, भेदोसा वन्यवादकः तरंगफेन भेदेपि समुद्रे भेद इष्यते भोक्तृभोग्य विभेदेपि, भोक्तृभोग्य विभेदेपि ब्रह्माद्वैतं तथास्तु तत्, ब्रह्माद्वैतं तथास्तु तत्। देखो जी भोक्तृभोग्य विभेदतः, मैं भोक्ता हूँ, सुख दुख का जो अनुभव करे उसका नाम क्या है भोक्ता, सुख दुख का जो अनुभव करे उसका नाम भोक्ता है, सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार भोग है कि नहीं है, इसलिए जो अनुभव करे सुख दुख का उसका नाम क्या है भोक्ता है, भोक्ता जड़ है कि चेतन है, चेतन होगा, चेतन होगा,
और भोग्य तो वही क्या होगा, भोग्य तो जड़ होगा, रूप रसादि जो पदार्थ है विषय, विषय होता है भोग्य, है ना, विषय होता है भोग्य, मतलब सुख दुख का विषय को कहते हैं भोग्य, नहीं। इसलिए भोक्तृ भोग्य दोनों में तो भेद है भाई, भेद तो ही हमेशा दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे अद्वैतम बाध्यते न बा। और तुम्हारा सिद्धांत क्या है, अद्वैत, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो फिर बात तो हो जाएगा, है कि नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जब दिखाई दे रहा है, तुम्हारे शास्त्र को हम कैसे मानेंगे बताओ, हम नहीं मान सकते, आजकल यही चल रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि विरोध हो जाए तो उसको नहीं मानते, सब केवल बोलने के लिए होता है, कुछ होता नहीं है, वेदांत केवल बोलने के लिए सुनने के लिए होता है, कुछ होता नहीं है, सब ऐसा मानते ना सब, ठीक है। लेकिन साधक यदि हो तो संशय तो होगा, पहले साधक को संशय हो सकता है, लेकिन शास्त्र में विश्वास नहीं होगा ऐसी बात नहीं, शास्त्र में विश्वास तो रहता ही है, ठीक है। तो पूर्व संस्कार है ना, पूर्व संस्कार के कारण भाई अनादि काल से द्वैत को हम क्या मान रहे हैं, सत्य मानते आ रहे हो कि मिथ्या मानते आ रहे हो, हैं, सत्य मानते आ रहे हो, है कि नहीं, अनादि काल से मानते आ रहे हो, उसका संस्कार पड़ा है, एकाएक वेदांत सुनने से कहाँ विश्वास हो पाएगा कि सब कुछ ब्रह्म रूप है नहीं हो पाते, कितना भी सुनते रहो, देखो सपना मिथ्या है, सपना मिथ्या है, सपना मिथ्या हो सकता है, ये जागृत का पदार्थ थोड़ी मिथ्या होगा, सपना तो उड़ने के बाद गायब हो जाता है, लेकिन ये गैप कहाँ हो रहा है, गायब नहीं होता है, उड़ने के बाद भी वही संसार दिखाई दे रहा है, वही मकान दिखाई दे रहा है, वही माता दिखाई दे रहे, वही पिता दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, इसलिए ये सत्य होना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा मानते ना लोग, सत्य होना चाहिए, इसका बात नहीं हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, स्वप्न का तो उड़ने के बाद बात हो जा रहा है, लेकिन ये जागृत का पदार्थ ऐसा हो रहा है क्या, आज काफी गिर सो गई, कल वही मकान दिखता है कि दूसरा मकान दिखता है, मकान तो वही दिखता है, जब वही दिखाई दे रहा है तो इसको मिथ्या कैसे मानोगे, इसको मिथ्या में नहीं मान सकते, वेदांत तक केवल बोलने के लिए यही मानते ना सब इसलिए भोक्तृ भोग्य विभेदत अद्वैतम है, दृढ़ तो विश्वास नहीं होता है, दृढ़ विश्वास नहीं हो, दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर ये संशय नहीं हो सकता है, हैं, संशय नहीं हो सकता है ना, है ना, वो क्या हो जाएगा फिर, वो तुरंत संभव ज्ञान हो जाएगा, क्या है, जिसको संभव ज्ञान नहीं है वो मनन करेगा, क्या शास्त्र में दृढ़ विश्वास यदि हो जाए, शून्य मात्र से संभव ज्ञान होगा कि नहीं होगा, होगा, दृढ़ विश्वास यदि ना हो तो फिर जो है वो संभव ज्ञान नहीं होता है, क्या नहीं होता है, संभव ज्ञान नहीं होता, फिर बार बार, हाँ, संभव ज्ञान नहीं होता है कि नहीं, फिर बार बार मनन करना पड़ता है, तो बार बार जब मनन करोगे तो संभव ज्ञान हो सकता है कि संसार मिथ्या है, इसलिए अद्वैत ब्रह्म संभव है, तो फिर निध्यासन होगा, जिसको संभव ज्ञान नहीं है तो निध्यासन कैसे होगा, वो तो शब्द मात्र होता है, मैं कहने, अहम कहने से मैं, ब्रह्म कहने से परमात्मा, बस वो जो शब्द है वो, ठीक है, चलो आगे। अद्वैतम बाध्यते न वा, अद्वैत का बात होता है कि नहीं होता है, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्धो भेदो असौ अन्य बाधक पूर्व पक्षी कहता है भी प्रत्यक्ष तो प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, भेद दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद सिद्ध है, भोग्य अलग है, भोक्ता अलग है, ये जो भेद है, भोक्ता भोग्य नहीं, भोग्य भोक्ता नहीं, इसका नाम भेद है,
इसका नाम क्या है? भेद। भोक्ता भोग्य नहीं होता है और भोग्य भोक्ता नहीं होता। ये जो भेद है, ये जो भेद है, ये मतलब भेद का जो ज्ञान है, ये हो जाएगा अद्वैत सिद्धांत का बाधक हो जाएगा, है ना। हाँ, सिद्धो असो अन्य बाधक, अन्य करने से अद्वैत का बाधक हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत बोलते कि चिंता ना करो। अच्छा, टीका ही पढ़ लेता हूँ क्या? बहुत बढ़िया रहेगा, टीका एक साथ ले लेता हूँ। समन्वय न अवगम्य मानम अद्वैतम। ये देखो, वेदांत का समन्वय होता है, वेदांत का समन्वय होता है भी अद्वैत में बोलते हो। समन्वय न, समन्वय अध्याय प्रथम अध्याय ब्रह्मसूत्र का, इसलिए समन्वय प्रथम अध्याय, उसके द्वारा है अवगम्य मान जो बोध हुआ, जिसका अद्वैत का हुआ, अद्वैतम अद्वैत ब्रह्म में सबका समन्वय कहते हो। प्रत्यक्षादि सिद्धे न, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद सिद्ध है कि नहीं। इसलिए भोक्तृभोग्य भेदे न, भोक्तृभोग्य का भेद हो रहा है, मतलब भेद ज्ञान हो रहा है, इससे बाध्यते बाद हो जाएगा तुम्हारा अद्वैत सिद्धांत का। इति चेत पूर्व पक्षी हो गया ना, सिद्धांत है। श्लोक देखो, अभी तरंग फेन भेदे भी का दृष्टांत दे रहे हैं। छोटे छोटे तरंग दिखते हैं, समुद्र के किनारे रहते हो मुंबई वाले, उन्हें तो सब जानती है तरंग कैसे होता है। कभी छोटा तरंग दिखता है, कभी बड़ा तरंग दिखता है, छोटा तरंग बड़ा तरंग है कि नहीं। हाँ, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कैसे कैसे सब दिखते हैं। तो तरंगादि रूप से भेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सब समुद्र है कि समुद्र से भिन्न है? जल जल ही तो है कि नहीं। हाँ, इसलिए जो है वो मुंबई के नगर में रहने वाले को तो वेदांत जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि समुद्र का दृष्टांत दिया जा रहा है ना। समुद्र रूपेण अवेदस्य च, समुद्र रूप से तो सब है, अभिन्न नहीं है। कोई भी तरंग अपने जल से भिन्न है ही नहीं, जल ही तो है और क्या है। देखने वाले को क्या दिखता है? जल ही है और कुछ नहीं, जल ही है कि नहीं। क्या मानते? सब जल ही है। वो क्या है बोला? अरे सब जल ही है बोलते हैं ना। नहीं, वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे पहाड़ की तरह, अरे कुछ नहीं, वो सब जल ही है। इसका मतलब जल में अद्वैत है, और तरंग में द्वैत होने पर भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि तरंग की सत्ता जल की सत्ता से भिन्न नहीं होती है। ये तात्पर्य है ना। इसलिए भेदाभेदयोर विरोधाभाद, भेद अभेद में कोई विरोध नहीं है। जल में अभेद है और तरंगों में क्या है? भेद है। तो भेद कल्पित है, भेद क्या है? कल्पित है, और अभेद सत्य है। ये तात्पर्य ठीक है। भेदाभेद विरोध व्यवहार से आकार भेदनापि रहिते अत्यंतम एकस्मिन्नपि वस्तुनि सावकाशत्वात्। ये जरा समझ के रख लो, तरंग दिखता है, बुलबुले दिखते हैं, फैन दिखता है कि नहीं। हाँ, इस रूप से तो भेद है, तरंग आदि इस रूप से तो भेद है, और समुद्र रूप से जल के रूप से क्या है? अभेद है। लेकिन भेद और अभेद में तो कोई विरोध हुआ नहीं है कि नहीं। जिले भेद अभेद का जो विरोध कहते हो, ये विरोध का जो व्यवहार है, ये तो आकार भेद से रहित है ना। केवल एक वस्तु में सावकाश हो सकता है, ऐसा कौन होगा? ब्रह्म ही तो होगा। ऐसा कौन होगा? ब्रह्म। ब्रह्म में कोई आकार आदि का भेद है ही नहीं है कि नहीं। सब तो माई का हो, सब तो कैसा है? माई का है ना। इसलिए ब्रह्म ही ऐसी वस्तु है, अधिष्ठान सत्य के रूप से अवेद है, और माई का नाम रूप से वो क्या है? भेद दिखता है। लेकिन नाम रूप तो मिथ्या है, कल्पित है कि नहीं। इसलिए इसका कोई विरोध है? सपनों में है तो आप अकेले हो सपना में, सपना का जो दृष्टा है साक्षी वो एक है कि नहीं, और आप साक्षी स्वरूप में सारा सपना दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। कोई भोक्ता दिखाई देता है, कोई भोग्य पदार्थ दिखाई देता है कि नहीं। कोई खिलाने वाला दिखता है, खाने वाला दिखता है, भोजन दिखता है,
ये जो भोक्ता भोग्य का जो भेद है, इसमें कोई विरोध है अद्वैत में? नहीं है, क्योंकि सारा सपना जो है भोक्ता भोग्य का भेद सपना, वो तो मिथ्या है। सत्य होता तो विरोध होता, ये जगत सत्य है ये तो सिद्ध होगा नहीं। नहीं नहीं महाराज, हमको दिखाई देता है इसलिए वो सत्य होना चाहिए। दिखाई तो सब कुछ देता है, हैं बोलते नहीं 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 हमको तो वहाँ पर सुख मिलता है, सपनों में हमको पेट नहीं भरता है, हैं लेकिन जागृत में तो लड्डू से पेट भरता है ना। इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व से सत्य होना चाहिए, जिसमें अर्थ क्रियाकारित्व है उसको मानेंगे सत्य, ऐसा है। अर्थ क्रियाकारित्व समझ में आया, व्यवहार का साधन, जो व्यवहार का साधन हो है कि नहीं, उसको कहेंगे सत्य, ऐसा है। व्यवहार का साधन स्वप्न का होता है? नहीं, व्यवहार का साधन स्वप्न का पदार्थ होता है? नहीं होता है, होता है और क्या। अरे भाई, स्वप्न में बीमार पड़ गए हो तो स्वप्न की दवाई से स्वप्न का बीमार नहीं जाता है क्या? जाता ही नहीं जाता है? जाता है, उसमें क्या विरोध है? जाता ही है। वो डॉक्टर भी स्वप्न का है, वो रोग भी स्वप्न का है, दवाई भी स्वप्न की, उसमें क्या विरोध है? अर्थ क्रिया कारित्व होने मात्र सत्य हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और स्वप्न भी बड़े बड़े स्वप्न दिखते हैं, स्वप्न के अंदर भी बड़े बड़े स्वप्न दिखते हैं, दीर्घ दिखता है, क्या सत्य हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए दिखने मात्र से सत्य नहीं, अर्थ क्रियाकारित्व होने से भी सत्य नहीं है, इसी का नाम मिथ्या है, ठीक है। इसलिए मिथ्या वस्तु में भेद हो और अद्वैत वस्तु में, ये सत्य वस्तु में अद्वैत हो, तो क्या विरोध है कि नहीं? सत्य वस्तु में अद्वैत हो और मिथ्या वस्तु में भेद हो तो क्या विरोध है? स्वप्न में भेद है और स्वप्नों का देखने वाले में अद्वैत है तो क्या विरोध है? भेद कोई विरोध नहीं, भेदा भेद में कोई विरोध है? हाँ, दोनों को सत्य मानेंगे तो नहीं होगा, भेद मानेंगे तो अभेद नहीं होगा, अभेद मानेंगे तो भेद नहीं होगा। लेकिन सत्य अभेद होता है, भेद तो मिथ्या होता है, तो कोई विरोध नहीं है, है कि नहीं? इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इसलिए कहे तस्माद् ब्रह्माकरण अद्वैतम, है कि नहीं? ब्रह्म रूप से अद्वैत है, सारा जगत को यदि ब्रह्म रूप से जानेंगे तो क्या अद्वैतीय है? जैसे मान लो, हम कई बार बोलते हैं, सारे चित्रों को यदि पर्दे के रूप से देखेंगे तो द्वैत है कि अद्वैत है? अद्वैत है, हाँ। चित्र पर्दे से भिन्न होता ही नहीं है, तो चित्र कितना भी दिखाई दे तो है तो अद्वैत है। इसी प्रकार ये जागृत में भी यही विचार करना है, सारा दिखाई दे रहा है चित्र, हाँ ये चित्र, चित्रपट हो गया ना, चित्रपट, चित्रादि प्रकरण पांचदशी में सुने हो, सारा जगत कैसा है? चित्र है। और जिसमें दिखाई दे रहा है वो पर्दा है, पर्दा एक है और चित्र अनेक है, लेकिन पर्दा सत्य है और चित्र मिथ्या है कि नहीं? इसलिए मिथ्या चित्र में भेद हो, कोई विरोध नहीं होता है, अद्वैत पर्दे के साथ द्वैत चित्र का कोई विरोध नहीं होता है। सारा जगत को कहाँ पर देखना है? सारा जगत को कहाँ पर देखना है? सारा चित्र को कहाँ देखते हो? हाँ, इसी प्रकार सारा चित्र को अपने में देखना है, मेरे में ही कल्पित है, ये अभ्यास करो, है ना? क्योंकि मेरे से जगत दिख रहा है, इसलिए मेरे में ही कल्पित है, बस ये अभ्यास करना पड़ता है ना? हैरान, जो वस्तु जिस साक्षी से प्रकाशित होता है वह उससे भिन्न नहीं होता है, ये युक्ति है, सिद्धांत भी है। जो वस्तु जिससे प्रकाशित होती है उससे वह भिन्न नहीं है, नहीं है, ये विचार करना है। दृष्टांत स्वप्न है, दृष्टांत स्वप्न है, स्वप्न जिस साक्षी से प्रकाशित होता है उससे क्या भिन्न है? नहीं है। नहीं है, और ये भी समझ लो, नहीं है और वो असंग है,
जिसमें दिखाई दे रहा है वो असंग है कि नहीं। इसलिए स्वप्न का साक्षी असंग है स्वप्न से। इसी प्रकार यहाँ पर विचार कर लो, मेरे में सारा जगत दिखाई दे रहा है इसलिए मेरे से ये भिन्न नहीं है और मैं असंग हूँ। मैं असंग हूँ, असंग आत्मा अधिष्ठान मैं हूँ। ये भी इसी का नाम है तुम पदार्थ का शोधन। इसी का नाम मैं अर्थ का शोधन। मैं अर्थ को पहले समझो, है कि नहीं, समझो क्या, निश्चय करो, अभ्यास करके उसको दृढ़ करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये वेदांत तो बहुत लोग समझते हैं लेकिन ये निश्चय नहीं कर पाते कि मैं का अर्थ कौन है। मैं का अर्थ कौन, निश्चय होना चाहिए ना। केवल समझने से होगा कि निश्चय करने से होगा? हाँ, अनुभव से। आज समझ लिया कि बुखार होने से कौन सी दवाई लेनी है, बुखार होने से कौन सी दवाई लेनी है, जान लिया तो हाँ थोड़ा म्यूट कर लो, हैं तो बीमारी नहीं जाएगी, उससे रोग जाने वाला नहीं। रोग भी जानते हो रोग के साथ रोग का हेतु भी जानते हो, रोग को भी जानते हो, रोग का हेतु भी जानते हो, उसका निवारण भी जानते हो, लेकिन प्रयोग नहीं करते हो, तो रोग जाएगा नहीं। इसी बार विवेक चुड़ावणे में सुने हो ना है ना, औषधि औषधि कर रहा है वो, वैसे रट रहा है लेकिन पान नहीं करता, न बिना पानम, है कि नहीं। औषधि का पान नहीं करता है लेकिन औषधि औषधि बोलता है बस। इसी एक ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है, केवल बोलता है बस, हाँ तो उससे क्या होगा, उससे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ऐसी प्रकार करो आगे भगवान। चलो टीका थोड़ी सी ना, तस्मा ब्रह्माकर्ण अद्वैतम। ब्रह्माकार से मतलब ब्रह्म रूप से तो ये अद्वैत ही है। भोक्तृ भोग्याकर्ण द्वैतम, ये तो भोक्तृ भोग्य तो माई का है ये, लेकिन अपने स्वरूप को न जानने पर ही अन्यता गण होता है ना, है कि नहीं। और मांडू के आप लोग सुने हो बहुत सारे, है कि नहीं। हाँ, ये जागृत में सपनों में है कि नहीं अन्यथा ग्रहण है। क्या है, सपना बोलते ना है, अनादि माया सुप्तो जदा जीव प्रबुद्धते अजम अनिद्रम बोलते ना सब। इसलिए जागृत और स्वप्न में क्या है, जागृत स्वप्न को क्या बोलते हो, सपना कहते हो। जागृत सपना ही मिलाकर सपना, सपना मतलब सपना किसका नाम है, जागृत का वो तो है लेकिन सपना किसका नाम है, अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण को बोलते हैं, हाँ जी, अन्यथा ग्रहण को बोलते हैं सपना है। सपनों में भी अन्यथा ग्रहण हो रहा है, जागृत में भी अन्यथा ग्रहण हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये अन्यथा ग्रहण को बोलते हैं सपना। सपनों देखना मतलब अन्यथा ग्रहण करना है। ब्रह्म में ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है लेकिन इसको मान रहे हो, इसका नाम है सपना। अन्यथा ग्रहण को बोलते हैं सपना, है कि नहीं। और निद्रा मतलब स्वरूप का अग्रहण, स्वरूप को अपने स्वरूप को नहीं जानने का नाम होता है निद्रा, है कि नहीं। तो निद्रा है जागृत में है, सपनों में है कि सुषुप्ति में है, कहाँ पर है, तीनों में है। हाँ ठीक ठीक ठीक। और अन्यथा ग्रहण जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण है, और है निद्रा तीनों में है, है कि नहीं। सोचा ना, इसलिए सो जाना जो है ना, वो सो जाना है कितने प्रकार के है, तीन प्रकार के है। सो जाना कितने प्रकार के है, तीन प्रकार। खा पी करके सो जाते हैं, सपना देखते हैं, उसको भी सो जाना बोलते हो, और खा पी करके सो जाते हैं कुछ नहीं देखते हो, उसको भी सो जाना कहते हो, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, इसका नाम भी सो जाना है। तो सो जाना किसका, कितने हुए, तीन प्रकार के है तो ये समझ कर रखो। इसलिए भोक्तृ भोग्य तो अन्यथा ग्रहण है, ये अन्यथा ग्रहण तो मिथ्या है, ये अपने स्वरूप को न जानने से अन्यथा ग्रहण होता है, इसलिए मिथ्या है ये,
द्वैतम इति आकार भेद आकार भेदाद व्यवस्था सिद्धो न कोपि बाधः। इसलिए ब्रह्म रूप से तो भाई अद्वैत है, भोक्ता भोग्य के रूप से द्वैत है, द्वैत तो मिथ्या होता है। इसलिए आकार भेद से मतलब माइक रूप से इत व्यवस्था सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अद्वैत में कोई विरोध कोई बाधा नहीं होगा, न कोपि बाधा। यही यहाँ पर है श्लोक आया, तरंगा फेन भेदेपि समुद्रे अभेद इष्यते भोक्तृभोग्य विभेदेपि ब्रह्म अद्वैतम तथास्तु तत्। इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ है ना। हाँ ये सूत्र है, ये 13 नंबर सूत्र देखो। भोक्त्रापत्तेर विभागश्चेत स्याद लोकवत्, भोक्त्रापत्तेर विभागश्चेत स्याद लोकवत्। ये 13 नंबर सूत्र है भाई। भोक्तृ आपत्ते है, ब्रह्म है अद्वितीय, अद्वितीय ब्रह्म यदि जगत का उपादान कारण हो तो सर्व सर्वरूप क्या होगा, ब्रह्म होगा। ब्रह्म से भिन्न कोई भी नहीं होगा, तब तो क्या होगा है, बोलते हैं कि जो है भोग्य है शब्दादि विषय और आत्मा है भोक्ता। तो फिर भोग्य जो जितने भी है वो भी क्या हो जाएगा, भोक्ता हो जाएंगे भी, तब तो अविभाग हो जाएगा, व्यवस्था कैसे बनेंगे फिर है ना। अद्वैत यदि है तो फिर भेद कैसे होगा, फिर सब कुछ फिर भोग्य भी भोक्ता हो जाएगा, भोक्ता ही भोग्य हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे फिर, है कि नहीं। व्यवस्था कैसे बनेंगे फिर, है कि नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष से सिद्ध जो परस्पर विभाग, भोक्ता अलग है भोग्य अलग है, वो कैसे होगा। इति चेत ऐसा पूर्व पक्ष कहने पर कुछ समझ में आ गया ना, सब कुछ ब्रह्म रूप है तो एक भोक्ता है दूसरा भोग्य कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। बोलते हैं लोकवत, ऐसी कोई बात नहीं है। लोक में देखा जाता है मिट्टी से घड़ बनता है, घड़ जो बनता है कि नहीं, घड़ बन गया और चषक बन गया, ग्लास बन गया, कुल्हड़ बन गया, तो परस्पर में भेद है कि नहीं। हाँ आ जाओ, जा। घट अलग है, चषक अलग है, कुल्हड़ अलग है जिसमें दही जमाते हो चाय पीते भी है कि नहीं। कुल्हड़ अलग होता है हाँ, और शकुरे अलग होते हैं, शकुरे ऐसे ऐसे गोल गोल होता है इसमें दही जमाते हैं, और कुल्हड़ होता है उसमें चाय पीते हैं। काशी में जाओगे तो सब मिलेगा। तो कुल्हड़ है, चषक शकुरे है, घट है, परस्पर अलग अलग तो है, लेकिन सब कुछ मिट्टी रूप है कि मिट्टी नहीं है, सब कुछ मिट्टी रूप ही है, लेकिन सबको मिट्टी रूप से देखेंगे तो अद्वैत है। इसलिए कहाँ विरोध है, भेद और अभेद में कोई विरोध नहीं होता। इसी प्रकार से भोक्ता अलग है, रूपादि विषय भोग्य अलग है, ये परस्पर विभाग तो है, लेकिन सबका अधिष्ठान ब्रह्म एक है, उस ब्रह्म से कोई अतिरिक्त तो है ही नहीं है ना। इसलिए अद्वैत होने में कोई विरोध नहीं होता है, ये तात्पर्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।